अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मैट्रिक लेवल की जो लैंग्वेज है GW बेसिक, उसको स्टडी करने जा रहे हैं। ये देखने में आया है कि स्टूडेंट्स प्रोग्राम्स नहीं बना पाते, प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, इस लैंग्वेज में मुश्किल होती है, डिफ़िकल्ट होती है, समझ में नहीं आती, इसलिए ये लेक्चर बनाया जा रहा है ताकि उन बच्चों के लिए आसानी हो और वो प्रोग्राम्स बनाएँ। तो आगाज़ करते हैं। देखिए मैंने लोगो ई को प्रेस किया है, मैंने माई कंप्यूटर खोल लिया, मैंने सी के ऊपर डबल क्लिक किया और ये देखिए मैंने बेसिक नाम का एक फोल्डर रखा हुआ है, इसके अंदर ये लैंग्वेज पड़ी हुई है GW बेसिक। डबल क्लिक करते हैं और इसको रन कर लेते हैं। ये मैंने आपके सामने लैंग्वेज रन कर ली है। अब ये बेसिक किस लिए है? क्योंकि इसे बिगिनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड कहा गया है। बेसिक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी लाइन बाय लाइन इसकी एग्जीक्यूशन होनी है, और जैसे कमांड लाइन होती है डॉस की, उस तरह ही इसमें काम होगा। या आपने प्रोग्राम खोल लिया, अब आपने प्रोग्राम बंद करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे सिस्टम टाइप कर देंगे SYS। ये मैंने यहाँ पे SYSTM सिस्टम लिख के एंटर किया है, तो मैं दोबारा से इसको बंद कर दिया मैंने इसको, और मैं दोबारा इसे खोल लेता हूँ। देखें, दोबारा से मैंने इसको ओपन कर लिया है अपने सामने। अब जो कि आप डॉस में भी काम कर रहे होते हैं सेम तरीके से, तो अगर आप SHELL शेल लिख के एंटर करेंगे तो देखें आप डॉस में आ गए हैं। डॉस में इस वक्त मैं सी ड्राइव में बेसिक के फोल्डर में हूँ, तो मैं यहाँ जब एग्ज़िट लिखूँगा तो देखें मैं दोबारा से अपनी बेसिक लैंग्वेज में आ गया। नज़र नहीं आ रहा आपको, लिहाजा आप स्क्रीन को साफ़ कर लें। CLS क्लियर स्क्रीन की कमांड होती है, लिख के आप एंटर करें तो स्क्रीन आपकी क्लियर हो गई है। ये मैंने आपको प्रोग्राम में आना और इससे बाहर जाना बताया है, और थोड़ा डास के साथ इसका रिलेशन बताया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये नीचे क्या नज़र आ रहा है आपको, ये लिस्ट लिखा हुआ, रन लिखा हुआ, लोड लिखा हुआ। एक्चुअली ये कमांड्स हैं, आप इनको टाइप करके भी रन कर सकते हैं, और आप फंक्शनल कीज़ यानी F1 को प्रेस करेंगे लिस्ट की कमांड रन होगी, F2 को प्रेस करेंगे रन की कमांड रन होगी, F3 को प्रेस करेंगे लोड की कमांड, एंड सो ऑन। ये लिस्ट के लिए होता है, आपको बताएंगे भी। हमारे पास जो मेमोरी में फ़ाइल होती है उसको देखने के लिए लिस्ट होता है। रन से हम प्रोग्राम को रन करते हैं, लोड से हम प्रोग्राम को लोड करवाते हैं, हार्ड डिस्क से मेमोरी के अंदर हम सेव करवाते हैं, कंटिन्यू होता है, प्रिंटिंग के लिए है, ये ट्रेसिंग के लिए है, डिबगिंग के लिए, ये कीज़ को ऑन ऑफ करने के लिए है, और स्क्रीन के लिए है कर्सर की मूवमेंट के लिए। लिहाजा ये कुछ मैंने आपको जनरल सा टच दिया है, ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है स्टेटस बार में। अब हम ये देखते हैं कि जब हमने इस लैंग्वेज में काम करना हो तो दो मोड होते हैं, एक को हम डायरेक्ट मोड कहते हैं, एक को हम इनडायरेक्ट मोड कहते हैं। डायरेक्ट मोड में हम जस्ट एक लाइन लिखेंगे इंस्ट्रक्शन की और वो रन होगी, इसमें कोई लाइन नंबर नहीं होगा। हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे और एंटर करेंगे और वो स्टेटमेंट रन होगी। आए लिखते हैं, मैंने यहाँ पर PRINT प्रिंट लिखा, और प्रिंट जो मैंने लिखा है देखें ये छोटी ABC में है, लोअर केस में है, ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है। यानी आप यहाँ पर अगर कैपिटल में प्रिंट लिख दें या लोअर केस में प्रिंट लिख दें, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। लेकिन जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं लाइक C++, C# एंड जावा एंड एट्सेट्रा, उनमें अक्सर लैंग्वेजेस जो हैं वो केस सेंसिटिव हैं, यानी उनमें छोटी बड़ी ABC मैटर करती है। तो इसमें आप चाहे छोटी ABC में एक कमांड लिखें, चाहे बड़ी में लिखें, कोई मसला नहीं है। मैंने प्रिंट लिखा, आगे मैंने कार्ड्स दिए, इन्वर्टेड कामाज होते हैं देखें, और ये कैसे आते हैं, शिफ्ट के साथ आप L के साथ थोड़ी जो राइट वाली की होती है उससे जो अगली की है उससे इन्वर्टेड कामाज आते हैं। मैंने यहाँ टाइप किया MC College, देखें मैंने उनको यहाँ टाइप कर दिया है, ये कैप्स लॉक को आप कर लेते हैं, गो की लिख दिया मैंने, और अब मैं यहाँ पर कार्ड्स को क्लोज कर देता हूँ। देखें अब जब मैं एंटर करूँगा तो मेरे सामने ये देखें स्टेटमेंट रन हो गई है, यानी प्रिंट की स्टेटमेंट रन हो गई। अब मैं एक और आपके सामने स्टेटमेंट यहाँ लिखता हूँ, इनपुट लिखा मैंने, कार्ड्स दिए मैंने यहाँ पे, और अब मैं यहाँ टाइप करता हूँ राइट, ये मैंने यहाँ पर राइट
इंटीरियर, इंट लिख दिया मैंने यहाँ पे राइट इंट, और आगे मैंने ये देखिए सेमी कॉलन दिया है, और आगे मैं यहाँ पर ए टाइप कर देता हूँ। यानी कि यूज़र को हम कहेंगे भी आप इंट लिखो और उसको हम ए में रख लेंगे, एक वेरिएबल है। एंटर किया, और यूज़र अगर एक इंट देता है, इंटीजर से मुराद गिनती होती है, 5-6 लिखता है तो वो ए में चला जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ कर लें यूज़र ने रॉन्ग लिखा, यूज़र ने ये कुछ लिख दिया इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स में और एंटर कर दिया, देखें तो प्रोग्राम को समझ नहीं आई, उसने कहा रीडू फ्रॉम स्टार्ट, फिर उसने गलत डाटा एंटर किया, एंटर किया फिर देखें रीडू फ्रॉम स्टार्ट, यानी प्रोग्राम ये बार बार चलता जा रहा है, लाइक लूपिंग, जैसे लूपिंग होती है अनलिमिटेड लूपिंग, उस तरह प्रोग्राम चलता जा रहा है। अब आपने अगर प्रोग्राम जो चल रहा है उसको टर्मिनेट करना है, बंद करना है, तो आपके पास एक की होती है, उसे कहते हैं कंट्रोल ब्रेक। कंट्रोल को प्रेस करें, ब्रेक को प्रेस करें, आप प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। डायरेक्ट मोड की निशानी ये होती है कि यहाँ लाइन नंबर नहीं होते और ओके लिखा होता है ऊपर। तो हम यहाँ जब CLS टाइप करते हैं, ये कमांड रन होती है, क्योंकि ये कमांड है, ये जब मैंने कमांड दी, इंस्ट्रक्शन दी और एंटर किया, तो मेरे सामने स्क्रीन साफ हो गई, हम डायरेक्ट मोड में हैं। आई होप आप समझ गए होंगे डायरेक्ट मोड क्या होता है। अब डायरेक्ट मोड में ही एक और चीज़ आपको सिखा दें, ये नीचे आपको कीज़ जो नज़र आ रही है ये वाली, ये अगर आपने ऑन ऑफ करनी हो तो देखें F9 है, ये देखें F9 हमें नज़र आ रहा है, F9 को प्रेस कर दें या जस्ट यहाँ की लिख दें। तो मैंने यहाँ पे देखें F9 को प्रेस किया है तो की यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ गया मुझे। अब मैं आगे ऑफ लिखता हूँ, की ऑफ लिख के एंटर कीजिएगा, देखें कीज़ ऑफ हो गई हैं। अगर मैं की ऑन लिख के एंटर करूँगा तो ये कीज़ मुझे यहाँ नीचे नज़र आने शुरू हो गई। ये कुछ इन्वायरमेंट को मैंने स्टडी कर लिया, CLS लिख के मैं एंटर कर देता हूँ। ये था हमारे पास डायरेक्ट मोड, यानी हम एक कमांड देंगे और उस कमांड को एंटर करेंगे जब, तो वो कमांड रन हो जाएगी, वो कमांड हो सकती है, वो इंस्ट्रक्शंस हो सकती है।